गुड इवनिंग, आ जाइए जल्दी जल्दी से, डिस्कशन स्टार्ट है। प्रिया सिंह राजपूत, मनाल सिद्दीकी, रिजवान खान। चाइल्ड एक्टिविटीज, प्रिया सिंह राजपूत आ गए, आ गए बच्चा, आ गए। असल में थोड़ा सा ये नया मामला है ना, तो इसमें थोड़ा सा कहने का मतलब, थोड़ा सा इसमें दिक्कत ही आ रही थी, क्योंकि ये मटेरियल फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, इसलिए जानकारी ज्यादा इसमें हमें थी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा 2-4 मिनट देरी हुई इसीलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बस बस जस्ट आपको देरी नहीं होगी, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि रोज की तरह क्लास होती तो उसमें अलग बात थी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग दिक्कत थी। प्रिया सिंह आ गए, ठीक है। हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल एकदम सब ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी हाँ, तो आप लोगों ने इसमें एक चीज देखी होगी कि क्या आप लोगों ने इसमें जो आंसर थे वो आपके अपने लगा दिए, आप लोगों ने अपने अपने आंसर आंसर की आपने जो अच्छा लगा दिए, तो आपने इसमें आंसर भेज दिए थे। तो जैसे कि उसमें जो है पहला क्वेश्चन जो था वो क्या कह रहा था आपकी कॉपी में, यानी जो आपके पेपर में, वो ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरी नियोजन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था तो आपका, तो इसमें आप लोगों ने इसमें जो है ये पहला क्वेश्चन जो था इसका, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखा होगा ये लिमिट, वर्ड लिमिट कितनी थी, 125 शब्द की थी, और 125 शब्द में इसका पूरा आपको आंसर देना था, है ना। क्लियर नहीं दिख रहा है, आप ऐसा करिए प्रिया सिंह राजपूत, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जाइए, वहां पर 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप पिक्चर क्वालिटी बढ़ाएंगे तो सब ठीक क्लियर दिखाई दे रहा है। आप देखिए मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा लीजिए, ठीक है, देखो साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल, क्लियरिटी बढ़ाएंगे तभी दिखेगा आपको। ठीक है हाँ, जब अगर आप क्लियरिटी बढ़ा लेंगे तो पूरी तरीके से एकदम क्लियर दिखाई देगा, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती तो बताइए, वैसे क्लियरिटी बढ़ाने पर सब कुछ साफ दिख रहा है।
दिख रहा है सही? जी हाँ, फोन की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए खैर, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें ये पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरी नियोजन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 125 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो ये जो इसका आंसर दिया हुआ है, इसको अलग अलग तीन टुकड़ों में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर नगर नियोजन निर्माण कार्य, यानी एक पूरा उसका जो सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसको इन्होंने यहाँ पर तो आंसर के रूप में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, पीडीएफ। चलिए, तो यहाँ पर जो ये आंसर दिया गया है, इसमें और आपने जो लिखा हुआ है, उन दोनों में आप ये देखिए कि आप में और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें दूसरी बात, यहाँ पर इसको जैसे कि आज आपने लिखा ये, उसके बाद इससे मिलान करने पर तो ये पता लगेगा आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं या कहाँ नहीं करी है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा पेन अलाउ नहीं कर रहा लिखने के लिए, वरना हम लिखते भी रहते साथ साथ में, यहाँ पर पेन अलाउ नहीं कर रहा इसमें, जैसे रोज ओबीसी क्लास चलती थी तो उसमें लिखता था। खैर, दूसरी बात, यहाँ पर जो 125 शब्दों की जो लिमिट थी, उस शब्द के लिए परेशान ना होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 125 ही क्यों। तो आप चाहे 125 शब्द लिखें, चाहे 135 लिखें, चाहे 115 लिखें, कहने का मतलब 10 से 15 जो शब्द होते हैं वो प्लस माइनस चलते हैं। कोई वहां पर कसम खा के नहीं बैठे कि वो उतने ही लिखने, उसके बाद आप नहीं लिखेंगे या आपके लिखने पर कोई आपको दिक्कत हो जाएगी। तो और दूसरी बात यहाँ पर, कि सबसे बढ़िया है कि अगर आप किसी भी इसमें, अगर आपको किसी तरीके की, अगर जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आपको कह सकते हैं कि आपको मैपिंग करनी आनी है, या अगर आपको कोई जैसे कि उसको कुछ डिजाइनिंग रूप में लिखना है, तो वो ज्यादा असरदार होगा, वहां पर आपके शब्द सीमा घट जाएगी और आपका इससे प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ वो पेन ही अलाउ नहीं कर रहा है, अभी हम दिखाते हैं आपको, देखें शायद कहीं, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हमने बीच में यहाँ पर मान लो बीच में एक सर्किल बना दिया, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता लिख दिया, उसके चारों तरफ इसका देखो, इसका जैसे कि इसका नगर नियोजन, जैसे कि नगर निर्माण विन्यास, अलग अलग, जैसे हम गोला सर्किल बना ले और अलग अलग उसको एरो बना के लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पीके सिंह। हाँ, तो इस तरीके से अब यही आंसर को इन्होंने यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक दिया हुआ आंसर, फिर ये अंग्रेजी में दिया गया है, तो जिनको जैसा अच्छा लगे वैसा इसको आप कर सकते हैं। बस ये हमारा पेन अलाउ नहीं कर रहा लिखने को, नहीं हम आपको साथ साथ बताते चलते सारी चीजें। अब पेन का इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा है आज, इसमें कैसे जाएगा? ठीक, एक सेकंड के लिए हम सर से पूछ लेते हैं, एक सेकंड आप लोग काटिए ना फोन, हम एक सेकंड के लिए बोल देते हैं सर को, कैसे हो सकता कुछ है? जी सर, हेलो। हाँ, क्लास तो स्टार्ट है, लेकिन सर पेन का अलाउ नहीं कर रहा लिखने के लिए सर, क्या हमको कहीं से लिखना नहीं है सर? अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर पेन अलाउ नहीं करेगा, हमने पूछ लिया है, तो पेन अलाउ नहीं करेगा मतलब लिखने को ऑर्डर नहीं करेगा, हमको यहाँ ऑप्शन भी नहीं दे रहा, तो इसलिए ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। तो अब जैसा भी है, इसको हम लोग सिर्फ एक देख सकते हैं, और आप लोग इसको स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा लीजिए और आराम से इसको पूरी चीजों को देखते रहिए। ठीक है, हाँ। अब जैसे कि अगला सवाल आपका था कि दूसरा क्वेश्चन, कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। तो हम फिर आपको यही बता रहे हैं कि क्वेश्चन चाहे आपका कि 125 शब्द का हो, या जैसे कि एक बात और जान लें, जो फुल लेंथ क्वेश्चन होता है वो 600 शब्द का होता है। 600 शब्द मतलब जो फुल लेंथ क्वेश्चन होता है उसमें आपको और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है, कि जैसे कि आप सोचेंगे कि यहाँ पर गिनेंगे, अगर गिनेंगे तब तो काम हो चुका, तब तो आपका टाइम भी छूट जाएगा, कर भी नहीं पाएंगे। सबसे बढ़िया है कि आप एक प्लेन पेपर लें और उस पर एक दिन अपने आप एक तरफ एक स्केल, मतलब स्केल की जितनी चौड़ाई होती है, मतलब उसके बराबर हाथ या गाय ले लें, गाय ले लें। उसके बाद उस पूरे पेज पर जो एक नॉर्मल
आप लिखते हैं उस तरीके से इसको पूरा लिख लें, उसके बाद उस पर एक दिन काउंट कर लें, तो आपको यही साइज की कॉपी लगभग जो A4 शीट होती है, इससे कुछ मान लो लंबाई भले कम होती हो, यही चीज होती है दाएं हाशिया बाएं हाशिया, तो आपको ये लग जाएगा कि आप एक पेज में 100 शब्द लिखते हो कि 500 शब्द लिखते हो, 500 तो इम्पॉसिबल बात है, 30 लिखते हो, 50 लिखते हो, 60 लिखते हो, 100 लिखते हो, 150 लिखते हो। ये उसी तरीके से जैसे मान लो अगर आप एक पेज में 100 शब्द लिखते हो, तो आपको अगर 600 शब्द लिखना है, इसका मतलब फिर आपका ऐसे जो है या जो भी है वो आपका मिनिमम कम से कम 600 छह पेज का होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, नहीं वरना गिनने के लिए टाइम नहीं होता किसी को, ठीक है। बहुत एग्जाम दिए हमने अभी, देखिए अभी वो वाला ही आया है, गिनने के टाइम किसी के पास नहीं, ना ही कोई गिनता बैठ के, जैसे जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं वो इस बात को सोचते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप इसी तरीके से जैसे कि आप हिंदी अंग्रेजी इसमें दोनों दिया हुआ है, आप इसको जो लिंक दिया हुआ है इस चैनल के नीचे उसमें जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके PDF के तौर पर आपको मिल जाएगा, ठीक। फिर जैसे कि यहाँ पर दे रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों और संगठन में वृद्धि और लोकप्रियता का वर्णन कीजिए। देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब जो आपका कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम, खासतौर से अगर इसमें आप 1857 की अगर बात करोगे, तो इसमें आपको जैसे कि एक बीच में आप लिख लिया 1857, उसके तरफ फिर अलग अलग एरो बना के, जैसे उसका राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण और सैनिक कारण, इन ढेर सारे अलग अलग उनको एरो बना के लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपके लिखावट में थोड़ा सा अच्छापन आएगा। दूसरी बात ये, एग्जामिनर को भी पढ़ने में आसानी रहेगी, अगर हम पूरी पूरी कथा लिख देंगे तो एग्जामिनर भी इरिटेट हो जाएगा और आपको नंबर कम देके जाएगा। तो कभी भी जब ऐसा लिखें तो याद रखिए उसके अलग अलग पहलुओं पर जरूर लिखें, जैसे कि आप उसका राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, इन जितने भी कारण अभी तक आपने उसमें देखे होंगे उन सबको लिखना है, और वैसे लिखना है जैसे कि आपको एक सर्किल के अंदर। उससे फायदा ये होगा कि आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन में आसानी रहेगी और लिखा और आपको एग्जामिनर भी खुश रहेगा। और साथ तौर से जो भी अगर आपके मन में आता है कोई डायग्राम है आपका, कोई कोई चार्ट है, ये अगर बनाएंगे तो इससे क्या होता है कि एक तरीके से हमें लिखने में हमें कमी कम लिखना पड़ेगा और हमारी कॉपी जल्दी भरेगी, कॉपी भरने के साथ साथ उसमें साफ सुथरा होगा, स्पेस ज्यादा रहेगा। एग्जामिनर को कुल मिला के ऐसा लिखना है ताकि वो खुश रहे, और वो अगर खुश रहे तो आपका नंबर भी लेके जाएगा, है ना। दूसरी बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं कॉपी ज्यादा भरी होगी नंबर मिलेंगे, लेकिन ये हाई स्कूल इंटर का एग्जाम नहीं जो आपको कॉपी भरने से वो नंबर दे दे। हाँ, आप उतने शब्द लिखिए जितनी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो शब्द वजनदार होने चाहिए, लोहालाट होने चाहिए, ये नहीं कि जो मन करा झोंक दिया। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर नंबर मालूम जा नहीं रहे आप, उसका एवरेज मार्किंग होगी और एवरेज मार्किंग पर सिलेक्शन कभी नहीं हुआ करता है, कभी भूल के नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आपको एक एवरेज मार्किंग नहीं लानी है, यहाँ पर आपको सर्वश्रेष्ठ करना है, श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ करना है, तभी आपको वहां पर ये मिलेगा। और जब वहां पर ऐप पर क्लास होगी तो उसमें पेन भी हमारा अलाउ रहेगा, तो वहां पर हम भी लिखते रहेंगे और आपको कैसे कैसे लिखना है, आपका सरकारी लेटर कैसे लिखना है, अर्ध सरकारी लेटर कैसे, विज्ञप्ति क्या, इनका सारा ड्राफ्टिंग और ये सब कुछ वहां पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो आज आपको हम सिर्फ आंसर दिखा रहे हैं, यहाँ पर पेन अलाउ नहीं कर रहा, इसलिए हम लिख नहीं सकते आपको, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से जैसे अगर आगे हम चलते हैं, अगले अगले इस पर आते हैं, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर इस पर आते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, फिर आगे आप इसको जरा हाँ देखो, ये कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों, ये तो खैर क्वेश्चन हो ही चुका, अभी हम लोग इसकी बातें कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, ये यहाँ तक तो आ ही गए थे हम लोग, यहाँ तक। एक तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ना, इसमें टाइम लगेगा बहुत। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत में सामाजिक भारत भारतीय समाज में परिवार नियोजन और महिला की स्थिति निकट से जुड़ी हुई है, इस पर चर्चा कीजिए। तो आपको पता ही होगा कि
कि जो फैमिली प्लानिंग है, भारत पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने परिवार नियोजन को सबसे पहले परिवार नियोजन को अडॉप्ट किया 1952 में। उसके बावजूद हाल ये, अगर परिवार नियोजन ना अडॉप्ट करते पता नहीं क्या होता। और जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन लिखें तो वहां पर आप ये भी ध्यान रखें, जैसे हम दो हमारे दो का नारा दिया गया है ना, तो परिवार नियोजन में कौन कौन सी मुख्य तौर पर स्कीमें थी, जैसे आपने सुना होगा नसबंदी प्रोग्राम, ठीक, बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो कि आपको अगर उसमें डालेंगे और उसके बाद में हाईलाइट कर देंगे तो उससे होगा क्या, एग्जामिनर की नजर जल्दी पड़ेगी। और अगर एक बार नजर एग्जामिनर की नजर में आपका क्वेश्चन उसे भाग गया, फिर वो अगर आपकी कोई कमियां भी होंगी तब भी वो आपको उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि वो आपको इग्नोर कर जाएगा और नंबर अच्छे दे जाएगा। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, अगर आपकी शुरुआत लोहा लाट हुई तो आपको अच्छा नंबर देके जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे बारात का जो घर होता है उसका गेट क्यों उतना तगड़ा सजाया जाता है, क्योंकि अगर गेट पर ही सजावट नहीं होगी तो कोई भी आदमी सोचेगा अरे सब ऐसे होगा, लग रहा है पर्जे अंदर अंदर, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। अगर सजावट इतनी तगड़ी गेट की जाती है ताकि हर बाराती एक बार ये जरूर सोचता है कि चलो अंदर देखें चल के, इसके अंदर बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से अगर आपकी शुरुआत बहुत तगड़ी है तो एग्जामिनर भी आपका पूरा आंसर लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए विवश होगा, और अगर वो आपके पूरे लिखे हुए क्वेश्चन के ऊपर अंदर घुस गया यानी लाइन टू लाइन पढ़ने लगा, तो ये समझ लीजिए कि वो आपसे इम्प्रेस होगा, और अगर आपको उसको बातें अच्छी लगी तो नंबर बहुत ढेर सारा देके जाएगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन का प्राची गोयल, ये बच्चा एक क्वेश्चन जो है, ये एक आपका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे पेपर रखे हुए, हम खुद अभी बीओ का ही लास्ट टाइम लेके आए थे। अगर आपको चाहिए है तो आप लेट्स क्रैक की यूपी एग्जाम चैनल पर, जो कैन अकेडमी का ही है, आप टेलीग्राम पे जाइए, हम उसमें अभी आपको उसके पिंक फोटो शेयर कर देंगे, आप उसमें वहां से ले सकते हैं। ठीक है प्राची, अगर जिन लोगों को वहां से चाहिए हो तो आप लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जाइए, वहां पर हम भी उस चैनल में जुड़े हुए हैं, हम आपको उसमें तुरंत आपको भेज देंगे, आप उसे ले लीजिए। ठीक है, मिल जाएगा सबको। हाँ चलिए, फिर क्या हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि हाँ, और ये बात आपको ये बता दें कि इसमें पूरा का पूरा ये पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी, उस पर चलेगी ऐप पर, और ऐप पर जब चलेगी तो उसमें पूरा हम लोगों को लिखने का भी राइट रहेगा, पेन भी हमारा अलाउ करेगा, अभी कंप्यूटर पेन अलाउ नहीं कर रहा है तो इसलिए हम लिख नहीं सकते इस पर, वरना हम आपको लिखते रहते, और बिना लिखे क्लास अच्छी नहीं होती, आप भी जान रहे हैं। ठीक है, तो जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांति, तो फिर वही क्वेश्चन है, घूम के आ जाता है। चलो हम लोग आगे चलते हैं, कहाँ पे थे, हाँ ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि भारत में एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, जैसे कि उपोषण देशों में एक से अधिक मानव एक से अधिक मानक समय है। तो सबसे पहले अगर मानक समय की जब अगर आप बात करेंगे तो मानक समय एक वो समय होता है जो कोई भी देश अपने यहाँ पर अपने देश की एक लॉन्गिट्यूड को जो कि लगभग उसके बीच से गुजरती हो उसको वो मान लेता है। जैसे आपने देखा होगा भारत ने जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसको उन्होंने उसको भारत सरकार ने आपका टाइमलाइन मान रखा है, तो इसी से हमारा टाइम डिसाइड होता है। और पूरे विश्व स्तर पर जब हम टाइम डिसाइड की बात करते हैं तो हमारा टाइम डिसाइड होता है, तो फिर ये उससे कंपेयर करते हैं हम लोग 0 डिग्री जो कि जीएमटी जो कि इंग्लैंड से गुजरती है उससे हम इसको टैली करते हैं कि हम उससे कितना आगे हैं उस कितना पीछे हैं। अगर आप सोचेंगे कि 82.5 डिग्री को ही क्यों मान लिया गया, तो ऐसी लाइन को माना जाता है जहां पर यानी जिस लैटिट्यूड के ऊपर ठीक दोपहर में 12 बजे जहां पर सनलाइट पड़े उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ही हम लोग अपना टाइम लाइन मान लेते हैं। ठीक है, ये किसी दिन ही बताएंगे ऐप पर, आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल एक चुटकी बस्ते में आंसर टाइम निकाला जा सकता है। ठीक है, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। इसी तरीके से अगले पर जैसे ये देख रहे हैं आप टाइम निकालने की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे शायद आप, इसको बड़ा नहीं हो सकता है ना, आपको दिखाते अभी, ये देखो ठीक, ये देख रहे हैं ये वाला, आपको तो ये आपके अपने मेल आईडी पर आपको आंसर भी मिल जाएगा, इसका पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर 82.5 डिग्री जो ये वाली लाइन है जिसके ऊपर हम ये पेन चला रहे हैं, देखा होगा शायद, ये जो है आपका
इसके ऊपर जो है आपको ये 82.5 डिग्री भारत का टाइम लाइन है जो यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है, जिसके ऊपर चल रहा था। इसी तरीके से फिर क्या करा, हाल में ही उत्तर प्रदेश के एक शहर में हस्तशिल्प उत्पादों पर अपनी उत्कृष्टता के लिए दुनिया भर का जो है उसने वाहवाही लूटी, इस पर आपको चर्चा करना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आपकी आपके पास जितना भी डेकोरेशन हो सजावट के लिए, कहने का मतलब क्या है, वो आपका कोई मैप हो, चार्ट हो, या कोई और तरीके का कोई ग्राफिक प्रेजेंटेशन हो, अगर आप उसमें वो करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके एग्जामिनर यानी आपसे एक तरीके से देखो, एग्जामिनर भी क्या है, उसको भी एक तरीके से वो भी एक इंसान है, वो भी चाहता है कि हमें कम से कम टाइम में पूरी कॉपी को जज कर लें। तो इसलिए आप लिखने में इतनी एक्यूरेसी रखिए ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख के इरिटेट ना हो, बल्कि वो जो है इस बात को ये समझ जाए कि बंदे में कहीं दम है। ये क्लास कौन सी, किरण यादव बच्चा, ये UPPCS मुख्य परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है उसका एक मॉडल पेपर है, जिसपे आपको हमने 11 बजे के टाइम उसके क्वेश्चन आपको दिखाए थे और आपसे कहा था कि जिन लोगों इसके आंसर लिख के आप सबमिट करना, और फिर आपको 7 बजे इसके आंसर आपको डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग मेंस दे रहे हो, जिनकी तैयारी अच्छी हो, वो लोग जरूर जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, और हमारी क्लास पर डे अकेडमी ऐप पर प्लस पे 7:30 बजे चलती है, आज नहीं चलेगी क्योंकि आज तो आपके साथ में 7:30 बजने वाला है, आपको पर डे मिलेगी तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और बहुत हम खुद अभी बीओ वाला ही मेंस देके भी रिसेंटली वही आए हैं, तो उसको पूरा प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली हर तरीके का पूरा इस पर एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे लायक कभी भी कोई चीज हो बताइए, ठीक है। हाँ, 7:30 बजे हमारी प्लस पर क्लास पर डे चलती है, जो लोग प्लस स्टूडेंट हो वो जरूर जरूर ज्वाइन करें, और जो लोग प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग अपना नंबर छोड़ दें इसमें कमेंट सेक्शन में, या आपको किसी की कोई प्लस वाला अगर आपका कोई जानने वाला हो उससे आप बात कर लें, वो भी बता देगा आपको। इसका PDF बिल्कुल मिल जाएगा बच्चा, बिल्कुल मिल जाएगा, इसमें बहुत सारे जैसे मनाल सिद्दीकी, ये भी प्लस स्टूडेंट है, और भी लोग हैं, तो इनसे आप चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पर एक ये जो है कोई है आपका, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 9 के, अपक्षय से आप क्या समझते हैं। अपक्षय पहली बात तो होता है कि चट्टानों का अपनी जगह टूट फूट कर पड़े रह जाना अपक्षय कहलाता है। अगर तो यानी कभी भी कोई भी चट्टान हो, मान लो उसे वो अपने टूट फूट के अपनी जगह जब तक वो पड़ी तो अपक्षय, जब यही चट्टान टूटी फूटी चट्टान हवा पानी ग्लेशियर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह को बहा लिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे अपरदन कहते हैं। तो अब अगर हम लोग अपक्षय की बात करेंगे तो एक भौतिक अपक्षय होता है, एक आपका केमिक रासायनिक अपक्षय होता है, एक आपका जैविक अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय का मतलब ऐसे समझ लिए, पेन तो अलाउ नहीं कर रहा यहाँ पर कंप्यूटर, तो जैसे कि कोई बहुत बड़ी चट्टान है, वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, इस तरीके से चट्टान फैलेगी, सुखड़ेगी तो टूट जाएगी। इस तरीके के अपक्षय को हम लोग फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, या इसको हम लोग भौतिक अपक्षय कहते हैं, ठीक है। इस पर आप जब उस पर ऐप पर आना, क्या हमारी क्लास जाके वहां पर देखिए जाके, उसमें ज्योग्राफी वाली उसमें जो आपके उस पर जो प्लस पर हो चुकी है आपको पता लग जाएगा, उसमें कितनी शानदार PDF मैपिंग और उसका प्रेजेंटेशन पूरा डिस्क्रिप्टिव पूरी थ्योरी जैसे कि आपको मेंस में मिलती है हूबहू वैसे मिलेगा, क्योंकि हम खुद लगातार मेंस दे रहे हैं तो हमको इसके बारे में पूरा कंप्लीट आइडिया है, ठीक है। जैसे कि कह रहा है कि महासागरों के जल में तापमान के वितरण को, तापमान के वितरण और विचरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो किसी भी एरिया का टेम्परेचर 3-4 चीजों के ऊपर डिसाइड करता है। एक तो वहां की लैटिट्यूडनल वैल्यू यानी अक्षांशीय स्थिति, अगर किसी भी एरिया में अगर वो लो लैटिट्यूड पर है तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी इक्वेटर और उसके आसपास टेम्परेचर, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री की जो लाइन है उसके पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा, पोल की वैल्यू 90 डिग्री है वहां पर टेम्परेचर सबसे कम, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैटिट्यूड की वैल्यू घटेगी, ठीक है। और जैसे पोल पर आप 90 डिग्री पाएंगे तो वहां पर आपको वैल्यू
बहुत गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक। तो वहां पर यानी जस्ट एक दूसरे का उल्टा पाएंगे आप उसको, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप अगले क्वेश्चन पे चले, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, सब पीडीएफ मिल जाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, आपको सब आप मिल जाएंगे आपके मेल पर। और यहाँ से इसमें जो दिया हुआ नीचे लिंक गूगल ड्राइव का, उससे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, गुड इवनिंग, है ना। तो उसके लिए परेशान ना होइए, ठीक। जैसे कराए हाँ, कि कभी एक क्वेश्चन देखा जाए आपसे, यहाँ पर ध्यान रखिए आर्ट एंड कल्चर से बहुत पूछा जाता है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मंदिर निर्माण की शैली पर आप चर्चा कीजिए, कितने टाइप की मंदिर निर्माण शैलियां हैं, नांगर शैली, बीसर शैली, द्रविड़ शैली, इन शैलियों फिर भी कौन सी शैली सबसे ज्यादा पॉपुलर है, या सबसे ज्यादा किस शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। या आपको अगर जैसे इस शैली पर क्वेश्चन आ जाए, तो आप सबसे पहले शुरुआत ऐसे करेंगे कि भारत में मंदिर निर्माण की कला का प्राचीनतम साक्ष्य गुप्त काल से प्रारंभ होता है। भारत में जो है मंदिर निर्माण की तीन प्रमुख शैलियां पाई जाती हैं। जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है, तो हम लोग एरो लगा के ऐसे ऐसे लिख सकते हैं दूर दूर, जैसे डॉक्टर ने लिख देता है सुबह शाम दोपहर का नहीं। पहली नांगर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली, तीसरी बेसर शैली। या आप ट्रेंगल बना देंगे, ट्रेंगल के एक भुजा पर नांगर, दूसरी पर द्रविड़, तीसरी पर बेसर लिख सकते हैं। ये आपका लिखने में प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। अब उसको समझाना कैसे है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास, शब्द लिमिट भी है, आप लिख भी रहे और टाइम भी ध्यान रखना है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, एक इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे फौरन, और हिमालय ऊपर बनाएंगे, और विंध्याचल यानी जो बीचों बीच भारत में है उसमें एक अलग तरीके से शेडिंग मार देंगे पेंसिल से, और लिख देंगे नांगर शैली। यानी कि ये बताएंगे हम वहां पर कि हिमालय से लेके विंध्याचल के बीच में भारत में जितना भी मंदिर मिलेगा, वो सभी मंदिर नांगर शैली के होंगे। नांगर शैली का शब्द, नांगर शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि इस शैली के मंदिर सबसे पहले नांगरों में मिलते थे, इसलिए नांगर शैली का नाम दे दिया गया। इसी तरीके से बेसर शैली का मतलब होगा कि कन्या को कृष्णा नदी से लेके विंध्याचल के बीच वाला जो क्षेत्र होगा वो बेसर शैली का होगा। कुछ आप एग्जाम्पल लिख देंगे। इसी तरीके से कृष्णा से लेके कन्याकुमारी तक जितने होंगे वो द्रविड़ शैली के होंगे। द्रविड़ शैली में ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रामेश्वरम का मंदिर लिख सकते हैं, महाबलीपुरम का लिख सकते हैं, आपका मीनाक्षी देवी मंदिर लिख सकते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर लिख सकते हैं, ठीक। आपका केरल में जिस मंदिर को लेके महिलाओं के प्रवेश को लेके प्रॉब्लम थी, वो बड़ा चल रहा था, वो मंदिर का नाम लिख सकते हैं, क्या नाम है देखो। उसके बाद नांगर शैली में आप तो मंदिरों की बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे आप अजमेर का पुष्कर मंदिर लिख सकते हैं, आपका गुजरात का और माउंट आबू का जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो लिख सकते हैं, खुजराहो का मंदिर लिख सकते हैं, उड़ीसा के मंदिर लिख सकते हैं, कामाख्या देवी मंदिर लिख सकते हैं, ढेर सारे मंदिर हैं जो हम नांगर शैली में लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरीके से, लेकिन ये इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, उसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बीच में ट्रायंगल बनाए, और नांगर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, और फिर इंडिया के फ्रेम में उसको समझा दें, ताकि उसके लिए क्या होगा, आसानी से रहेगी। हाँ सबरीमाला, हाँ सॉरी सही याद ला, सबरीमाला, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन 200 शब्द का है, और हम बार बार बता रहे हैं शब्द को गिनने के चक्कर में पड़ेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा, कहीं के नहीं रह जाओगे। शब्द को गिनना नहीं है, आप एक कॉपी के प्लेन पेपर लें, और उस प्लेन पेपर के ऊपर नॉर्मल जो आप लिखते हैं जैसा, उस पेपर पर पूरे पर लिख डालें। उस पेपर पर लिखने से पहले एक हाशिया दाएं एक हाशिया बाएं, और ऊपर करीब 2 इंच जमीन ऊपर ऊपर की तरफ छोड़ दें। उसके बाद पूरी कॉपी को नीचे लिख डालें और 1 इंच नीचे छोड़ दें, मतलब एक स्केल दाएं छोड़ दें, एक बाएं छोड़ दें, 2 इंच ऊपर छोड़ दें और एक स्केल बराबर नीचे छोड़ दें। इतना आपको पेज मिलेगा वहां पर मेंस की कॉपी में, कोई लाइन नहीं होगी। प्लेन पेपर पर लिखना, अगर आप लाइनदार पेज पर लिखते लिखते रहोगे तो वहां पर आपको होगा क्या कि जब जैसे लाइनदार पेज पर लिखा हुआ व्यक्ति अगर व्हाइट पेज पर लिखने को दे दिया जाए, ठीक उसके साथ वही हादसा होता है जैसे कोई प्लेन एरिया में गाड़ी चलाए हुए हो, उसे नैनीताल में ट्रक पकड़ा दो, वो नहीं गिरता होगा तो खाई में गिर जाएगा, है ना। टाइम डिफरेंस लेक्चर पे डिपेंड, हाँ लैटिट्यूड पर देखिए जो टाइम डिफरेंस है वो सिर्फ
लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है बच्चा, लैटिट्यूड पर नहीं, लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करती, क्लाइमेट और टेम्परेचर वेरिएशन लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड पर टाइम और डेट टाइम डिपेंड करता है, ना कि लैटिट्यूड पर। ठीक, देशांतर रेखाएं ही टाइम को सबसे सर्वोसवा है जो इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पर रूढ़वादिता भारतीय धर्मनिरपेक्ष की बाधाओं में से एक है, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो कंटेंट इतना सधा और सटीक हो, लिखावट यानी प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो। देखो एक बात याद रखना, जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो कहीं दूसरे ग्रह पर से नहीं आते, इसी पर के होते हैं, बस उनका टाइम मैनेजमेंट और उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। ये नहीं कि जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं, जैसे जो प्रॉपर तैयारी कर रहा है और मान लो सेलेक्ट नहीं हो पाए किसी कारणवश उस एग्जाम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सेलेक्ट हुए वो दुनिया के सुपीरियर हैं। हाँ, सीधी सी बात है, जब सूरज चमत्कार को नमस्कार होता है, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके टाइम मिसमैनेजमेंट हुआ, उनका प्रेजेंटेशन मिसमैनेजमेंट हुआ, या उनका जो है वो एक्यूरेसी जो थी वो नहीं दिखा पाए जो जिस जो उनको नॉलेज थी। यानी बहुत बार ऐसा होता है, देखा होगा आपने वनडे एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस में आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन गोले भरने टाइम आ, जब तक टाइम खत्म आपकी कॉपी ब्लैंक चली जाएगी, तो आपको कि आपकी नॉलेज तो बेकार हो गई, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। जी हाँ, तो इसी तरीके से आपके ये सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहां पर। हाँ, एक बात और बता दें, आप लोगों को पूरी लिखने की आजादी होती है, जैसे कि आपका जीएस का फर्स्ट पेपर है। डाउट क्लियर कर दे, क्योंकि हम लगातार एग्जाम ही दे रहे हैं, मीन्स तो इसमें कोई सुनने और कहने या हवा हवाई बात पर यकीन ना करिए। देखो, अगर वहां पर आयोग में जब मेंस जब फॉर्म भरते हो, तो वहां पर ये लिखा भरा जाता है कि आपको क्या देवनागरी लिपि का ज्ञान है या नहीं। वहां पर ये नहीं लिखा होता कि आपका भाषा क्या है, तो देवनागरी लिपि में यानी ये पूछता। तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, जो भी सेंटेंस, कई बार ऐसा होता है कि जो इंग्लिश के शब्द होते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई शब्द लिखना है ब्यूटीफुल, तो वहां पर अब जब आप पेपर लिख रहे हैं, तो वहां पर ब्यूटीफुल को हिंदी में लिखेंगे आधा बा और या में बड़ू की पाई और टा में बड़ी की पाई और ब्यूटीफुल, इस तरीके का, ना कि अंग्रेजी में ब्यूटीफुल लिखना है, क्योंकि वहां पर आपने लिपि देवनागरी चुनी है, तो वो कोई भी शब्द चाहे वो अंग्रेजी का हो, फारसी का हो, पुर्तगाली का हो, तो वहां पर आपको वो हिंदी में ही लिखना है। दूसरी बात, आप चाहें तो फर्स्ट पेपर अंग्रेजी में लिखें, सेकंड पेपर हिंदी में लिखें, थर्ड पेपर अंग्रेजी में लिखें, फोर्थ पेपर हिंदी में लिखें, ये आपके ऊपर पूरी छूट होगी, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। हाँ, लेकिन जो पेपर लिखेंगे वो पूरी पूरी कॉपी में एक ही भाषा होनी चाहिए, ये नहीं कि एक पन्ने पर अंग्रेजी लिखी और अगले पन्ने पर हिंदी लिख दी। अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है, तो पूरा पेपर यानी वो फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर या थर्ड पेपर या फोर्थ पेपर आपको टोटली ही अंग्रेजी में ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। इसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हमने ये बात बता दी। ठीक, इसी तरीके से जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि आज वैश्वीकरण के कारण भारत में पीढ़ीगत असमानता की खाई को गहरा किया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, जैसे कि आप सब जानते ही हो कि 1990 में एक मॉडल आया था जिसे हम लोग एलपीजी मॉडल कहते हैं। एलपीजी मॉडल सा इन द सेंस ये से को बोलते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उस टाइम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और जो वित्त मंत्री थे, वो जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे। एक तरीके से क्या था कि उन्होंने एक तरीके से देश के बाजार को, ये नहीं कह सकते कि हम एक इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम ताल से ताल नहीं मिला पा रहे थे इससे पहले। तो इससे क्या हुआ, नहीं, जो ग्लोबलाइजेशन एलपीजी मॉडल को एक्सेप्ट किया, एक तरीके से ये हुआ कि हम भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ ताल से ताल मिलाने के लिए तैयार हो गए। शुरुआत में कोई भी चीज होती है उसका विरोध होता है, या लोगों को कोई भी चीज को एडॉप्टेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, लेकिन बाद में पता लगा ये उसी का नतीजा है। अगर वो उस टाइम ये स्टेप ना लिया गया होता, तो आज शायद भारतीय अर्थव्यवस्था जहां पर है, इससे शायद मीलों पीछे खड़ी होती जहां पर आज हम खड़े हैं।
आप 1991 से पहले सुनिए, 1991 से पहले आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि कभी अगर आप, आपको शायद याद नहीं होगा, 30 साल पहले की बात है, और इतना हम लोगों को भी सबको याद नहीं, तो आप अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए, बाबा से पापा से, कि जब पहले 1990 से पहले जब बैंक में लोन लेने जाते थे तो क्या बैंक लोन इतनी आसानी से दे देता था? तो बैंक कम से कम बहुत मुश्किल में लोन देता था, नहीं मिलता था। आज अगर आपको लोन लेना है कोई सामान तो खाली फोन करो, घर पे आके लेके चला जाएगा वो, है ना। इन चीजों में इतनी सहूलतें बढ़ी, इतनी सुविधाएं आ गई, और जबकि पहले क्या था, पहले ऐसा लगता था कि पूरे चप्पल घिस जाएंगे, जूता घिस जाएंगे, चक्कर लगाते लगाते तब जाके काम होगा, है ना। तो आज एक तरीके से वो अलग बात है, कंपटीशन बढ़ा, लेकिन एक तरीके से हम लोगों को सहूलतें भी काफी हद तक बढ़ गई हैं, है ना। जी हाँ, जैसे क्या करा है, भारतीय मानसून तंत्र की व्याख्या कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसे कि हम लोग जब मानसून की बात करते हैं तो पहले नंबर में मानसून को ये जान लें कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो असल में मानसून का मतलब ये अरबी भाषा का शब्द है जिसे मौसम से लिया गया है। इसका मतलब होता है हवाओं का कह सकते हैं ऋतु परिवर्तन, यानी जैसे हम लोग एक बार लिफ्ट ऊपर गई, एक बार लिफ्ट नीचे आई, इसी तरीके से एक बार हवाएं, हवाओं का यानी कह सकते हैं एक साल में जो अल्टा पल्टी होती, उसी को एक नॉर्मल भाषा में कहें तो हम लोग इसे मानसून कह सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखते होंगे ITCZ नाम का एक कॉन्सेप्ट है। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ ये ITCZ जो है ये आपका उत्तर और दक्षिण की ओर शिफ्ट होता रहता है, जिससे होता क्या है कि जो अगर ITCZ उत्तर की ओर शिफ्ट कर गया तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने लंबी हो जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने शॉर्ट हो जाती हैं। यानी जो दोनों गोलार्धों की पवनों की जो भिड़ंत है, जो इक्वेटर पर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में हो रही थी, वो इनकी भिड़ंत हो जाके 30 डिग्री के आप 25-30 डिग्री के बीच में होगी। तो ये ITCZ का एक बहुत अहम रोल है। इसी तरीके मोहम्मद रफीक भाई, गुड इवनिंग। तो साथ ही साथ ITCZ का कॉन्सेप्ट आपके इंडियन मानसून में, साथ साथ जेट स्ट्रीम का, बहुत सारे जो है इसमें आपको कह सकते हैं कि मालाओं, ये माला बनती ढेर सारे अच्छे अच्छे फूल लग के। तो इसी तरीके से जो भारतीय मानसून है इसमें भी आपको तरह तरह के कॉन्सेप्ट लगा के वहां पर उसको रिप्रेजेंट करना होगा। खासतौर से मैपिंग इसमें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर आप मैपिंग अच्छी कर लगे तो आप और के मुकाबले ज्यादा अच्छा नंबर पाएंगे, है ना। चलिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मानसून के जो मैप है, देखो हमने बताया नहीं था, ये देख रहे हैं ये वाली जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने है, देख रहे हैं ये दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवने इस वाले एरिया में टकराती हैं, इसी को ITCZ कहा जाता है, इस वाले हिस्से को जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करा है कि चक्रवातों की उत्पत्ति की घटना को स्पष्ट कीजिए, पश्चिमी तट की तुलना में भारत में पूर्वी तट पर चक्रवात का अधिक खतरा क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक बार ये हम इंटरव्यू देने गए थे, यही हमसे पूछा था वहां पर। असल में है क्या, यहाँ पर पेन चला नहीं सकते नहीं, आपको हम पूरी डिटेल बता देते। चक्रवात का मतलब होता है एक लो प्रेशर एरिया, यानी चक्रवात एक लो प्रेशर एरिया होता है जो कि हाई प्रेशर एरिया के द्वारा घिरा होता है। अगर आपसे ये कह दें कि आप 10 आदमियों के बीच में घिरे हुए हो, या फिर आपसे ये कह दें कि 10 आदमी आपको घेरे हुए हैं, बात एक ही हुई, सिर्फ कहने का फर्क था। तो चक्रवात एक निम्न वायु दाब केंद्र होता है जो कि चारों तरफ उच्च वायु दाब द्वारा घिरा होता है। अब जाहिर सी बात है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी तो जैसे पानी ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, तो हवाएं भी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो अब उसमें होगा क्या, इसमें तो इसमें यह होगा कि उस लो प्रेशर की तरफ से हवाएं तेजी से झपट्टा मारेंगी, और पृथ्वी के रोटेशन के कारण या ये जो है
उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक वाइज चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक वाइज चलता है, हमेशा गर्म सागरों पर जन्म लेगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें सवाल में कह रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में, देखो अगर ज्योग्राफी की एबीसीडी की जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि जो ट्रेड विंड है वो 0.5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध की जो ट्रेड विंड है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। तो सभी ट्रेड विंड बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं और चक्रवात बंगाल की खाड़ी में अगर जन्मा है तो वो उसी के साथ अपने साथ बहते हुए कोस्ट पर ले जाती हैं। जैसे जब आप पतंग उड़ाते हो और अगर पतंग आपके डोरी से कट जाए तो पतंग की डायरेक्शन कौन तय करता है? पतंग की डायरेक्शन बहने वाली हवा तय करती है कि इस पतंग को कहाँ जाना है। इसी तरीके से जो बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं बह रही हैं पूरब से पश्चिम की ओर आ रही, मतलब कोस्ट की तरफ आ रही, इसीलिए जो बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन डेवलप होते हैं वो आपके कोस्ट लाइन की तरफ चलते चले जाते हैं, इसीलिए वहां पर क्या होता है ये कोस्ट पे डैमेज करते हैं। जबकि अरब सागर में जो साइक्लोन डेवलप होते हैं वो व्यापारिक हवाएं उन्हें अफ्रीका की तट की ओर धकेल देती हैं, इसलिए पश्चिमी तट पर साइक्लोन का खतरा मिनिमम रहता है। ठीक है, जैसे क्या करा, गंगा के मैदान में मिट्टी के प्रकार और संबंधित फसलों के प्रतिरूप का स्थानीय वितरण पर चर्चा कीजिए। तो आपको भी मालूम होगा कि विंध्याचल पर्वत से लेके हिमालय के बीच में जो सपाट एरिया है उसी को गंगा का मैदान या उत्तर भारत का बृहद मैदान कहते हैं, या इसी को हम लोग ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा कहते हैं। भारत की लगभग मैक्सिमम आबादी, यानी कह सकते हैं लगभग 60% आबादी जो है इसी गंगा के मैदान में रहती है। हिमालय से नदियों ने ऊपर से जो एलोवियल सॉइल लेके आई उस मिट्टी को यहाँ पर निक्षेपित कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, दो एलुवियल सॉइल है। अब एलुवियल सॉइल में जब कभी आप देखते हैं तो इसमें एक आपका बांगर, दूसरा आपको खादर दिखाई देता है। जो बांगर और खादर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर बोल देते हैं, उसी में जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसी को खादर कह देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बांगर के मुकाबले खादर हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती, ज्यादा कह सकते हैं काम की होती, क्योंकि खादर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, है ना। और इस मिट्टी में, इस एरिया में एक तो जमीन बराबर है, दूसरी बात मिट्टी उपजाऊ है, तीसरी बात आबादी बहुत ज्यादा है, तो इन्हीं एक तरीके से हमें सस्ता श्रम भी उपलब्ध हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो फसलों का जो कह सकते हैं सघनता है वो बहुत आपको ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि सिंचाई की भी पर्याप्त सुविधाएं हैं और आबादी भी जाती है, हमें सस्ता श्रम भी मिल जाता है। तो आप इस एरिया में देखेंगे जलोढ़ मिट्टी के तो मिलती मिलती साथ में गन्ना है, आपका चावल है, मक्का है, जूट है, ज्वार, ढेर सारी फसलें इस एरिया में हुआ करती हैं। ठीक है, तो ये किसी का कोई सवाल रहा हो इससे जुड़ा हुआ तो आप बताइए, क्योंकि इसमें आपको पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पर एक एक यहाँ पर पेन तो चलना अलाउ नहीं है, इसलिए हम पेन चला भी नहीं सकते, और दो ओरली आपको बता सकते थे वो पूरी कोशिश की। और अगर आपको इसके बारे में कोई अधिक जानकारी चाहिए तो अभी आप हमारी एक रात स्पेशल क्लास 9 बजे होगी, तो आप उसमें जुड़िए, उसमें पूरा पेन चलेगा और आपको वो क्लास ज्योग्राफी की होगी, एक बार उसे जरूर जरूर देखिए। 9 बजे स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं आपको लगना उसको, उसे एक बार जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, पेन भी हम चला सकते हैं, आपकी बात का जवाब भी दे सकते हैं। बताइए, प्रदीप कुमार, किरण यादव, बताओ बच्चा, किसी को कोई दिक्कत? और अगर किसी को कोई किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन हो किसी के मन में तो आप जो है कुछ लोग जो प्लस स्टूडेंट हैं तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। जैसे मनाल सिद्दीकी हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं, राजीव कुमार हैं, ऋषभ हैं, ये लोग प्लस स्टूडेंट हैं, इनके बारे में अगर किसी को अगर पूछना हो इससे संबंधित तो उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे डिटेल में।
बताइए। किसी का कोई सवाल? ठीक है हाँ। और हाँ आप भी हैं तो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे राजकुमार साहब हैं ये भी प्लस में हैं, तो अगर जिसको किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए हो इससे संबंधित तो आप उनसे पूछ लीजिए, वो आपको पूरी बात बता देंगे। और हाँ अनअकैडमी पे 9 बजे क्लास है ऐप पर, तो उसमें आपको पूरी डिटेल और बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। एक बार उसको क्लास को जरूर जरूर अटेंड करिए ताकि आपके जितने भी आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं वो सारे डाउट्स हमें उम्मीद है पूरे क्लियर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे राजकुमार ने तो कोई अपना नंबर शायद डाला है, तो आप इनसे चाहे पूछ सकते हैं, चाहे मनाल सिद्दीकी हैं, ठीक है, रफीक भाई हैं, और आपके ऋषभ मिश्रा हैं, विनीत वर्मा है, ये सब बहुत सारे प्लस स्टूडेंट हैं लड़के। इनको आप अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो आप इनसे, अगर आपके कोई कांटेक्ट में हो तो उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे रात 9 बजे अभी जस्ट। हाँ और जो हमारी आज 8:30 7:30 पर जो प्लस की क्लास होनी थी, जो क्लास किसी इस क्लास की वजह से डिस्टर्ब हुई है, तो वो क्लास कल मॉर्निंग में 9 बजे होगी। यानी जो प्लस की क्लास आज होनी थी वो मॉर्निंग में कल 9 बजे होगी। ठीक है,